अस्सलामुअलैकुम। मुल्तान से निकल चुके थे तो काफ़ी सफ़र करने के बाद एक रेस्ट एरिया है तो वहाँ पे भी रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये एरिया डिफरेंट है, पहले जो एरिया है ना रेस्ट एरिया उनसे काफ़ी डिफरेंट है ये एरिया। मेरे बच्चों के थोड़े से इन्होंने रखे हुए, लेकिन ये थोड़ा सा लोकल टाइप बना हुआ है तो ये सीन है। लेकिन ये कि ये रेस्ट एरिया है जहाँ पर भी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। गर्मी बहुत टाइट है, हालत बुरी हो गई है, मुंह धो धो के गुजारा करना पड़ रहा है। और ये कि गाड़ी का एसी भी अभी काम नहीं कर रहा, वायर का कुछ इशू आ गया वो भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कि अभी हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। बहुत सख्त भी चल रही है अभी अभी मैंने मुँह हाथ धोया है बस अभी और फ़ौरन सूख गया चेहरा, किसी से पहुँचा भी नहीं है मुँह टावल से ना, लेकिन फुल ड्राई हो चुका है मुँह। ये है सीन तो भाई, ये है कि आगे का सफ़र भी अभी ऐसे ही जारी रखना है क्योंकि 455 किलोमीटर भी बाकी और टोटल जो था 556 था मेरे ख्याल शायद किलोमीटर मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक का, तो अभी वो कवर करना है तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। तो स्टेट ये भाई कलर कार की चढ़ाई है ना, ज़बरदस्त व्यू हुआ भाई। मैं देखो अभी हम कलर कार की चढ़ाई जो है ना रेस्ट एरिया आया था तो वहाँ पर रुके थे, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है रेस्ट एरिया, खाने पीने की चीज़ें हर तरह की चीज़ें यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त है। तभी क्या आगे निकलेंगे और भी चीज़ें दिखाते हैं आगे निकलेंगे, अभी जाना है क्योंकि देर बहुत हो रही है, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, तो फिर आगे निकल के दिखाते हैं। ज़बरदस्त व्यू हुआ है देखो, अभी आप लोगों को गाड़ी से दिखाया था अब उतर के दिखा रहे हैं। अभी ये कि हमने सोचा कुछ यहाँ पे खा पी लें तो देखते क्या मिलता है, जैसे पिज़्ज़ा डिसाइड किया पिज़्ज़ा खाने का क्योंकि भूख बहुत लग रही, खाना नहीं खा रहा है तो भूख बहुत टाइट लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम लोग सुबह उठ चुके हैं, रात को बहुत थके रहे थे, बहुत हालत बुरी थी हम लोगों की, तो भाई मैंने ना वीडियो नहीं बनाई। निकलना आगे, अब हम लोग जाएंगे तौहीदाबाद में ना, वहाँ पे देखना भी, वैसे तो 3 दिन का स्टे ही है तो कम ज़्यादा होता है क्या होता है कितने दिन लगता है, तो वहाँ पे हम जाएंगे कुर्बानी भी करेंगे क्योंकि ईद का टाइम है, कुर्बानी नहीं करी तो कुर्बानी भी करेंगे। अभी मैं आपको पूरा होटल का टूर करवाता हूँ, रूम भी दिखाता हूँ, रूम टूर भी करवाता हूँ। भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, पहला व्लॉग है चैनल का, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको अगले ही व्लॉग में एक दो व्लॉग के बाद एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ वो शायद आपने कभी देखी होगी, तो भाई ये फुल रेडी रहना। तो भाई ये होटल था जो हमने रात को किया था इस्लामाबाद पहुँचने के बाद, अल वक्कास होटल, तो भाई सही है, नॉर्मल है। मैं आपको अंदर से इसका रूम भी दिखाता हूँ, इस रूम में हम लोग रहे थे। तो ये होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल है, ये देखें ये इसके एंट्रेंस है, ये नीचे वेटिंग एरिया वगैरह, ये देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये मैं ऊपर जाके भी दिखाता हूँ, लिफ्ट वगैरह अभी तो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, सब सही है। अभी सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ये फुल वीआईपी बनी हुई है लिफ्ट, देख रहा हूँ फुल वीआईपी, कुछ हो नहीं हो लेकिन शश के पूरे इसके लिफ्ट का है। मैं फ्लोर पर एंटर हो गया, सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है, फुल ज़बरदस्त बना हुआ है। पहले भी हम लोग एक बार आए थे इसी होटल में रहते हैं, ये होटल जो है सारे रूम बने हुए, अभी ईद का भी टाइम है ना तो खाली है, वैसे काफ़ी रश होता है, तो ये सीन है। मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ अंदर से ना, ये देखो हमने सब पहले हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर में एक दो थे ना, हमने जो भी रूम खुला हुआ है ये वाला हमने लिया था पहले, लेकिन इस बार हम लोग रहे हैं इस वाले में, इस रूम में। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, ये रूम में एंटर होगा, रूम में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर आइकन बनी हुई है, कबर्ड बनी हुई है, यहाँ पे एक विंडो है, थोड़ा सा इधर का भी आ रहा है। ये देखो ये इस्लामाबाद है भाई, देख रहे हो इस्लामाबाद है, ये फुल विंडो बनी हुई है। अच्छा हमने एसी वाला लिया है, एसी वाला, तो इसके लिए 1000 रुपीज़ ऊपर दिए हैं एसी के लिए, सिर्फ एसी के लिए 1000 रुपीज़ ऊपर दिए हैं। बाकी के रूम जो मिल रहा था ये लोग 4000 का कह रहे थे पर डे के हिसाब से, तो हमने लिया है रूम 4000 का नहीं, 3500 का रूम लिया पर डे, तो ये सीन है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये देखो मैम चेक करो, और भाई पहले तो कल बहुत हालत बुरी थी हमारी, तो आज हम लोग फुल फ्रेश हो चुके हैं। जैसे हम लोग ज़्यादा थे तो हमने मैट्रेस भी लिया है, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ये विंडो है पूरी बनी हुई ज़बरदस्त ना, फुल वीआईपी लुक है इधर का भी। ये दिन का टाइम हो रहा है, जुम्मे का टाइम है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं 12 बजे का चेकआउट होता है ना इसलिए, ये देखो पूरा व्यू है, अभी बंद की देखा इसको खोल के दिखाता हूँ हम लोगों को, अच्छा लॉक हो गई है अब खुल सकती है, दिखाता हूँ। ये देखो बारी
बाहर हल्का सा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा सही है, नॉर्मल मौसम है, अच्छा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस है सही। धूप में अभी तक गए नहीं हम लोग, तो पता चलेगा क्या टेम्परेचर का। अभी अंदर तो फुल एसी चल रहा है, इसको बंद कर देते हैं फटाफट, वरना ठंडक सारी निकल जाएगी। बाहर इसको भी बंद करते हैं, लॉक कर देते हैं, पर्दे वर्दे भी बंद कर दो। ये देखो ऊपर का देख लो डिजाइन डिजाइन। और यार ये चाट हमने खाई थी यहाँ से, ली है अभी, देखते हैं कैसी है। इस हम पहली बार खा रहे हैं, खा रहे हैं ये वाली चाट, देखते हैं कैसी है, खा के चेक करना पड़ेगा। तो भाई ये जी इसने चाट ना, अभी खा के देखेंगे कैसी है, तो फिर बताऊंगा मैं अच्छी नहीं। बेहतरीन है, बस गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना हमारा एक जिस जगह पे आना था ना, वो जगह पे हम पहुँच चुके हैं, अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है। अब इस सुजुकी में हम लोग बैठ के नीचे जाएंगे गांव, क्योंकि वो थोड़ा रास्ता थोड़ा सा और कंजस्टेड हो जाता है, और गाड़ी जो है हीटअप हो रही थी, तो बस, और हैंड ब्रेक भी इसका काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गाड़ी हमने छोड़ दी। बस अब गाड़ी को छोड़ के हम लोग नीचे जाएंगे, गाड़ी को पार्क कर दिया पूरी। तो भैया ये है गांव, अभी हम यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं, और अभी घर जाने वाले बस ना यहाँ पे। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, रात देखें कैसी हो रही है, 8 बज गए, 8 बज चुके हैं, और देखें व्यू देखें जबरदस्त हो रहा है, फुल टाइम व्यू हो रहा है, मजेदार। हल्की सी ठंड है यहाँ पे, तकरीबन मेरे ख्याल में 14 या 20 का फील आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, मतलब सही है, मौसम अच्छा है। कराची में कितनी गर्मी हो रही है, देखो मैंने जैकेट पहनी, इतना जबरदस्त मौसम है। बस सामान वामान पैक कर लिया, अब यहाँ से सामान उठा के हम लोग पैदल जाएंगे सामान लेके नीचे, क्योंकि पतला रास्ता है, तो बस ये कि यहीं से सामान हम लोग लेके जाएंगे। और ये जबरदस्त सा व्यू, फुल टाइट। पैदल चल चल के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये जगह असल जहाँ पे हम लोग ना रुकेंगे, 3 दिन का स्टे है यहाँ पर। तो ये कि अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, देखिए भाई ये रूम है, फुल वीआईपी सब बना हुआ है। यहाँ के सारे घर तकरीबन ऐसे ही होते हैं, देख रहे हैं, तकरीबन सारे ऐसे ही होते हैं, देख रहे हैं। और ये पे ये ऐसे मिट्टी के बने होते हैं कि सर्दी में ये गर्म होते हैं, और गर्मियों में ये ठंडे होते हैं बहुत। तो भी ये बाहर ठंडा मौसम है, लेकिन सामान वामान सारा ला के रख दिया हमने यहाँ पे अपना। बस ये कि अभी बहुत थके हुए, फुल वो है कि थके हैं, अभी इंशाल्लाह रेस्ट वेस्ट करके फिर आपको व्लॉग नेक्स्ट डे दिखाऊंगा। सुबह का फुल वीआईपी से मौसम हो रहा होगा, आपको दिखाएंगे मॉर्निंग। तो भाई ये क्या, अभी का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को जल्दी जल्दी, आगे भी और चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो देखने वाली, क्योंकि टूर अभी एंड नहीं हुआ है। तो एक मज़ेदार आने वाले व्लॉग, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो बस भाई।